अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा बेटा इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये बताना है कि जो आपका 23 में बेटा जो आपके मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है वो बेटा आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर इंग्लिश में आपके पास आएगा। और आपके पास बेटा CV, रेज्यूमे या फिर इसको साथ में कवरिंग लेटर करेंगे। अच्छा पहली बात तो ये बेटा, इसको रेज्यूम नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं रेज्यूमे। ठीक, मैं आपको बेटा वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर जो आपके पास 23 में आया हुआ है, मतलब कि मॉडल पेपर 23 में आया हुआ है। ठीक, तो आपने बेटा इसकी मदद से ये सवाल सीखना है और फिर आपके पास बेटा जो भी है आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसमें जो चेंजेस वगैरह आपको करनी पड़ेंगी वो आप उसके मुताबिक चेंजेस वगैरह करेंगे। ठीक, कंपलसरी बेटा क्वेश्चन है, लास्ट भी करना है 23 के मुताबिक, तो खैर कंपलसरी है। अब भाई अगले साल का नहीं पता कि ये लोग क्या करते हैं, कितनी चेंजेस करते हैं, लेकिन मेरा 23 के मुताबिक ये सवाल क्या है आपका कंपलसरी आएगा आपका। ठीक, अच्छा अब ज़रा देखो, आपसे बेटा सवाल किया जा रहा है कि ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर विद द CV इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। हमारे पास बेटा दो काम करने के लिए कहे गए हमको कि आपने बेटा CV भी बनानी है और आपने कवरिंग लेटर भी बनाना है। पहली बात तो ये, हम ना पहले फ़र्क जान लेते हैं कि CV और रेज्यूमे में क्या फ़र्क है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक, देखो भाई CV और रेज्यूमे में एक फ़र्क ये है कि तो CV में आप क्या करते हो कि आपकी लाइफ टाइम में जो भी किया आपने, एक एक चीज़, आपकी कोई सर्टिफिकेशंस हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, एजुकेशन वगैरह, आपका एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट वगैरह, सब कुछ आप मेंशन करते हो। रेज्यूमे में ना बेटा आप सिर्फ वो चीज़ें लिखते हो जो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उस जॉब को मतलब क्या अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपकी जो जो चीज़ें हेल्पफुल होंगी, जो कुछ आपने किया हुआ है, बस आप वो इंक्लूड करते हो। अब देखो, मैंने रेज्यूमे, मैंने CV के बारे में क्या बताया, लाइफ में जो कुछ किया सब कुछ आपने वहाँ पर लिख दिया, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपका सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज वगैरह, इंटरेस्ट, सब कुछ लिख दिया। अब इमेजिन कि भाई जैसे कि मैं टीचर, ठीक है, और मैं कहीं पर अगर अप्लाई कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, किसी भी जगह पर अप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने जो है ना समझो कोई कुकिंग का कोर्स वगैरह किया हुआ, अगर इमेजिन करो, अब भाई वो जो कुकिंग का कोर्स है वो क्या मेरे लिए हेल्पफुल होगा, मतलब कि टीचिंग की जॉब हासिल करने के लिए? ऑब्वियसली बात है नहीं, मतलब कुकिंग का मैंने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक तो कर लिया, तो भाई मैं वो रेज्यूमे में नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ का टीचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। हाँ मैं CV में ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि मैंने CV के बारे में क्या बताया कि लाइफ टाइम में जो कुछ भी आपने किया आप उसमें इंक्लूड कर दोगे, तो लिहाजा रेज्यूमे में मैं सिर्फ वो चीज़ें इंक्लूड करूंगा कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं उस जॉब को हासिल करने में अगर वो रिलेटेड है, रेलेवेंट है, तो मैं लिखूंगा पहले, सही। और फिर हम बात करते हैं कवरिंग लेटर क्या है। देखो कवरिंग लेटर का बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप ना ये बताते हैं कि भाई बेसिकली इन शॉर्ट आप ये बता रहे हो कि आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। आपने ये शो करना है सामने वाले बंदे को कि भाई मैं जो हूँ बेस्ट पर्सन हूँ इस जॉब के लिए आपके पास, ठीक है, तो आप मुझे इसलिए सेलेक्ट करें। अब बेटा अगेन वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन 6 जो आया हुआ है 23 का वो सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास आपको चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा भाई सवाल क्या आया हुआ आपके पास, देखो कि अ वेल रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स द सर्विसेज ऑफ अ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट। अब ज़रा समझो, यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास क्या बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है उसका, इसका मतलब कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रहे हैं कि भाई बैचलर्स हो, ग्रेजुएट उसको ही बोलते हो आप, ठीक, और मास्टर्स नहीं बोला हुआ आपको। अच्छा और यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट, बेटा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर की फील्ड में वो ग्रेजुएट किया हुआ, इसका मतलब ये है कि उसको कंप्यूटर चलाना आता हो, मतलब उसको चलाने की तमीज़ वगैरह हो कि हाँ भाई कंप्यूटर पर काम वगैरह करना है, क्या करना है, तो उसको वो आता हो। और खैर लिखा हुआ था डायनामिक पर्सनैलिटी टू वर्क एज अ मैनेजर, और बेटा पोस्ट हमारे पास क्या दी गई है कि आपको ऐसा जो काम करना है वो क्या बोल रहे हैं, आपको मैनेजर के तौर पे काम करना है। पहले आपने ये समझ रहे हैं कि सवाल क्या आया है, फिर बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है भाई, अपनी एक डिटेल्ड CV रेज्यूमे आप भेज दीजिए, कहाँ पर, आपको एड्रेस दे दिया भाई, ये आपके पास आपका एड्रेस आपका आ गया, ये आपका एड्रेस है, ठीक, ये मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ तमाम चीज़ें ताकि आपको बेटा आइडिया हो जाए। अब देखो ऑब्वियसली बात है बेटा, सवाल तो आप लिखेंगे नहीं एग्ज़ाम के अंदर, और आपने दो काम करने हैं, CV भी करनी है और आपने कवरिंग लेटर भी करना है, ठीक। तो बेटा आप ना पहले CV करोगे,
और एक बात सुन लो, ये वाला जो सवाल है ना, आई थिंक करने में आपको लगभग, अगर आपको आता भी है तो मेरे ख्याल से 15 मिनट्स तो आपको लगेंगे एक अंदाजे के मुताबिक, जहाँ तक करना। और कंपलसरी सवाल है तो बेटा ध्यान रखना कि इसको आपने विद इन 15 मिनट्स लाजमी इसको वाइंड अप करना है, लेंदी मत कर देना बहुत ज़्यादा। अब ज़रा देखिए, हमारे पास, हमने इन चीज़ों को देख लिया कि भाई ग्रेजुएट है। चलो हम एक और बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर लिटरेट, इसको मैं बस, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर लिटरेट होना दरअसल आप जो है ना एजुकेशन में इंक्लूड नहीं करोगे, आप ये स्किल्स के अंदर बताओगे कि हाँ भाई कंप्यूटर चलाना आता है, आप यूँ बोलोगे। ठीक, तो भाई हमको शुरुआत करेंगे हम सीवी की, रेज्यूमे की। अच्छा देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक, मैंने इसके नीचे से शुरुआत नहीं करी, क्योंकि बेटा आप लोग क्या करोगे, आप एग्ज़ाम में भी आपने ये करना है कि अपने पास ना बच, मेरे बच्चों आपने न्यू पेज से शुरुआत कर ली है। ठीक, आप न्यू पेज पे गए, अब समझो मिसाल के तौर पे आपने न्यू पेज पे ना हेडिंग डाल ली, अपने पास क्या समझो क्वेश्चन 6 आया हुआ था, तो आपने यूँ लिख दिया क्वेश्चन 6, और फिर आपने ना पहले इसको हेडिंग डाल दी कि आप पहले क्या काम कर रहे हो, आप सीवी या रेज्यूमे पहले आप बना रहे हो, आप ये करोगे। ठीक, इतना लेंदी नहीं करना भाई, या अगर आप चाहो तो आप यूँ भी लिख सकते हो भाई कि आपने लिखा सीवी रेज्यूमे और आपने फिर इसको यूँ लिख दिया, मसला नहीं है, लेकिन बेटर होगा उसको अगली लाइन में कर लो। अच्छा, इतना लंबा लंबा मत लिखना कि पता चले जगह ही ना बचे पूरे पेज पर। ठीक भाई, यूँ लिखना है सिंपल सा, स्टार्टिंग में क्या लिखा आपने, फुल नेम, जो भी आपका नाम है आपने लिख दिया। ठीक, आप अच्छा, और फुल नेम लिखना अपना। ठीक, अच्छा फिर लिखा हुआ एड्रेस, भाई एड्रेस आपको ओरिजिनल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यूँ लिख देना हाउस 123 ABC एरिया कराची, खत सिंपल है सर। फिर आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसी तरह लिखेंगे भाई 0300, जो भी आपने रैंडम लिख दिया। ठीक, इसी तरह लिख देना, ओरिजिनल मत लिख कर आया ना भाई। फिर आपने लिखा ईमेल, और ईमेल में आपने यूँ लिख दिया। अच्छा, कोशिश करना कि उसको ये वाली चीज़ को ना आप ब्लैक से लिख लो, जो अंडरलाइन किया मैंने आपके पास, और ये जो है आप ब्लू से लिख लो। ठीक, वो तमीज़ से लिखना ये। अच्छा, अब बेटा ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव बेटा हमारे पास क्या होता है कि आप ना बस ये बता दो कि भाई मेरा टारगेट क्या है, सिंपल एज दैट। फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव हेडिंग आएगी, कुछ भी आ जाए ये उठा के रख देना, सिंपल, कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसको, मैं ज़रा इसको बस ये बैलेंस कर लूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेम उठा के रख दिया। देखो लिखा हुआ क्या है, किसी भी जॉब पे अप्लाई होगा, टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन या डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड टू डेवलप माई सेल्फ फर्दर। कि भाई मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी चैलेंजिंग पोजीशन हो, एक ऐसी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर मैं अपने स्किल्स को यूज़ कर सकूँ, अपनी एबिलिटीज़ को और अपने एक्सपीरियंस को, ताकि मैं उस कंपनी की ग्रोथ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ और अपने स्किल्स को भी फर्दर पॉलिश कर सकूँ। ठीक, कुछ भी कर लिया आपने। अच्छा, ये समझ लो अगर आप यही वाली चीज़ वर्ड टू वर्ड अगर कर सकते हो वजन कोड, लेकिन अगर आप अपनी खुद से लिख सकते हो एक ऑब्जेक्टिव, तो बेटा वो भी अच्छी बात है, लेकिन लिखना। ठीक है, अच्छा बाकी आओ भाई, एजुकेशन ज़रा देखो, आपने ज़रा ये नोट करो मैंने क्या लिखा है। मैंने ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बात जहन में रखिएगा बेटा, एजुकेशन या क्वालिफिकेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, या ये जब आप हेडिंग डालोगे ना इसके नीचे, एक लाइन छोड़ के इसके नीचे, तो एक बात जहन में रख लो कि बेटा आप ना क्या करोगे, जो मोस्ट रीसेंट होगा ना वो टॉप पे लिखते हो। देखो अगर हम देखें तो बेटा मैट्रिक पहले होता है, फिर ये आईकॉम मैंने किसी क्यों लिखा है बता रहा हूँ। ठीक, ये बेसिकली इंटर के बारे में बता रहे हैं हम लोग, लेकिन देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने मास्टर्स नहीं लिखा, मैंने क्या शुरुआत करी है, मैंने ये लिख दिया भाई BBA। ठीक है ना, अब ज़रा एक बात समझ लो, वो ये कि मैंने बीबी क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम टॉप पर जाएं तो सवाल क्या था हमारे पास, सवाल ये था कि आपके, आपने क्या करना है, ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। देख रहे हो ग्रेजुएट, ये रहा आपने ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, तो भाई आप करेंगे क्या, ज़रा इसको पहले समझो। आपने ये करना है कि आप निशा है भाई, ठीक है, और आपने सेलेक्ट कर लिया ये। अगर मास्टर्स का आएगा तो भाई फिर बीबी, फिर बैचलर से ऊपर आएगा। अच्छा एक और बात भाई, बैचलर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो मैंने BBA क्यों लिखा, मैं BSc लिख सकता था, मैं BA लिख सकता था, BCom लिख सकता था, ठीक कुछ भी लिख सकता था मैं। लेकिन आप ये क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार सवाल क्या आया हुआ है, ज़रा देखो मुझे किस पोस्ट के लिए बोला जा रहा है, मुझे बोल रहे हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो मैनेजर के लिए मैंने कहा बेटर होगा कि भाई मैं बैचलर्स करूँ तो फिर मैं कॉमर्स की फील्ड से कर लूँ। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है, क्या पता कुछ, क्या पता रिक्वायरमेंट ही कुछ और आ जाए, तो फिर आप ना एजुकेशन उसके मुताबिक लिखेंगे कि हाँ भाई मैंने BE किया हुआ है, बैचलर इंजीनियरिंग किया हुआ है, BSc बैचलर इन साइंस किया हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास आपका सवाल क्या आ रहा है, और उसके मुताबिक आप जो है ना अटेम्प्ट करोगे अपने पास। ठीक, अब ज़रा ये देखो करने का तरीका क्या होगा भाई, आपने लिखा डिग्री। अच्छा, और बेटर ये होगा
क्या आप ना आगे बताओगे भाई, बीबीए तो किया है लेकिन किस में किया है, मैनेजमेंट में किया है, मार्केटिंग में किया है, या आप लिखोगे मैंने यहाँ मैनेजमेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऊपर जो पोस्ट आई हुई है क्या ये मैनेजर की आई हुई है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि यार ये क्या सीन है, तो भाई ये काम करना, फिर ये लिखना मत अगर आपकी कर, लेकिन बेटर है कि लिखो अपने पास, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आप बताएंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, फिर आप बोलेंगे, फिर आप ईयर लिखोगे उसके नीचे, ये आपने पूरा बताना है। अच्छा, अब एक और बात, ये आप बोलें सर हम तो फर्स्ट ईयर में हैं, तो भाई फर्स्ट ईयर में हो लेकिन मेरे बच्चों आपके पास एक सवाल तो आया हुआ ना, वो तो अटेम्प्ट करना है आपने, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने ये लिखा एजुकेशन के बारे में, फिर आपने ये बताया, और ना ईयर्स का ध्यान रखना, सही है भाई। अच्छा, अब आप बोलें सर हम यहाँ पर इस तरह क्यों शुरुआत कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर सर हम चाहते हैं यहाँ पर, भाई एक बात बताओ मैट्रिक, अब ज़रा यहाँ देखो, इमेजिन के मैट्रिक किया आपने 14 में, 14 में किया आपने, एक्स वाई जेड स्कूल लिख दिया आपने, ठीक, फिर आपने लिखा आईकॉम। अच्छा, आईकॉम दरअसल बोलते हैं इंटर जो कॉमर्स से होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको आईकॉम बोलते हैं, ठीक है, इंटर इन कॉमर्स, आप ये बोल, बेसिकली इसका मतलब ये होता है, एबीसी कॉलेज। अब ज़रा देखो ईयर्स का ध्यान रखना, 14 में ये किया, 2 साल के बाद 16 में आईकॉम हो गया, और बीबीए बैचलर्स 4 साल का होता है, तो 2020, तो ये ईयर्स का ध्यान रखना, ये नहीं भाई कि 14, 15 और 16, मतलब आपने एक साल में कॉलेज पढ़ लिया माशाल्लाह से, भी एक ही साल में आपने बैचलर्स कर लिया, ये हरकत नहीं करना, थोड़ा ध्यान रखना इस बारे में। अब आप ये भी बोल सकते थे कि सर आपने लेकिन यहाँ 22 लिख दिया था, 23 लिख दिया था, बेटा वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं दरअसल ना शो करना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस भी रहा है, किस चीज़ में रहा है, फ़लाँ फ़लाँ कर कर आके, ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको आगे बताता भी हूँ किस तरह से, ज़रा देखो अपने पास, देखो भाई एजुकेशन आ गई, ठीक है, एजुकेशन के बाद आपने ये लिख दिया इस तरह से आ गया, ठीक। अच्छा, आप इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद क्या करोगे, इसके फ़ौरन बाद ना आपने पहले मेंशन करना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले को इस, जो आपका जो हायर करने वाला बंदा होगा ना, उसको असल में इससे बहुत बड़ी वो होती है कि ये पढ़ता है बंदे को कितना एक्सपीरियंस है। अब आप बोलो कि सर एक्सपीरियंस लिखना ज़रूरी है क्या, तो देखो एक्सपीरियंस आपके पास अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा ना, तो फिर आप लिखोगे, अगर आपसे नहीं मांग रहे, अगर मांग रहे फिर तो लिखना ही लिखना, अगर लिखा हुआ आ गया भाई 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप उसके मुताबिक ना एजुकेशन भी देखोगे। मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ आ जाता है कि 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भाई फिर तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अगर मैंने बीबीए 2020 में किया है, तो खुद सोचो अभी 23 चल रहा है, ठीक है, तो हमारे पास वो तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो लिहाजा फिर मैं ये वाले ईयर्स के साथ थोड़ा खेलूंगा, मैं इसको क्या पता 12 कर देता, इसको फिर मैं 14 कर देता, इसको 18 कर देता, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस उसके मुताबिक लिखता। अच्छा, एक और बात ये कि आप एक्सपीरियंस लिखोगे बीबीए के बाद से, आप यूँ काउंट करोगे, आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैचलर्स करने के साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, वही काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। अब आप एक्सपीरियंस में, आप ज़रा देखो यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किस तरह लिखा है, अगेन वही बात जिस तरह से आप एजुकेशन में ये कर रहे थे कि आपका जो सबसे रिसेंट आप टॉप पर लिखोगे, तो बेटा एक्सपीरियंस में भी आप ये करोगे कि सबसे ज़्यादा जो टॉप पर है ना, वो आप सबसे ज़्यादा जो रिसेंट है वो आप टॉप पर लिखोगे। अब ज़रा देखो मैंने क्या लिखा भाई, मुझे मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा एक्सपीरियंस में वो लिखूंगा जो मेरे लिए रेलेवेंट होगा। मैंने क्या लिखा भाई, मैं क्या हूँ, मैं असिस्टेंट मैनेजर था, ठीक, कहाँ था भाई, कंपनी का नाम बताना है, और फिर आप पूरा बताओगे कि भाई कब से कब तक काम किया। मैंने लिख दिया मार्च 1 2020 से मैं प्रेजेंट, मतलब कि मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, वहाँ से मैं निकला नहीं हूँ, और फिर मैंने उसका एक और तो दो तीन लिख देना इस तरह से, ठीक है भाई। उसके बाद लिख दिया मैंने कि भाई मैं इंटर्न था, उससे पहले मैं क्या था, एबीसी कंपनी में, और यहाँ मैंने ना इस इतना इतना अर्सा मैंने इंटर्न के तौर पे काम किया है, मैंने ये लिख दिया। लेकिन डेट्स का ध्यान रखना, पता चले जो डेट्स यहाँ लिख रहे हो ओ तो उससे सेम ये हो गया। अब देखो ना मैंने लिखा फेबररी 28 तक मैंने काम किया, लेकिन फेबररी 28 के बाद यहाँ पर मैं शुरू हो गया कि उसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ लग गया था। अब ये तो नहीं होगा ना मैं इंटर्न भी लगा हुआ हूँ और असिस्टेंट मैनेजर भी लगा हुआ हूँ, तो कोशिश करना। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो भाई कि आप यहाँ पे लिख देते असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर आप लिख देते मैनेजर, भाई मैं मैनेजर था, ठीक है, ये दोनों सही है, मतलब आप यहाँ लिख देते भाई कि मैं क्या था, मैं था भाई असिस्टेंट मैनेजर था मैं, और फिर आपने बता दिया कि मैं यहाँ पर मैनेजर था, तो होगा क्या, उससे अच्छी बात है क्योंकि आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए बोला जा रहा है, तो आपने पहले से ही बता दिया भाई मुझे एक्सपीरियंस है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर लिखा हुआ आ गया सवाल के अंदर, हम ना फ्रेश ही ढूंढ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स ढूंढ रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने अभी अभी मतलब कि क्या किया है, ग्रेजुएशन करी है, तो फिर आपका इम्पैक्ट एजुकेशन में भी पड़ेगा। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप यहाँ पर ना कुछ इस तरह से करोगे कि भाई 23 में किया है मैंने, आप ये करोगे, और 23 से 4 साल पहले जाओगे तो आप बोलोगे 19 हो जाएगा, फिर 2 साल पहले जाओगे 19 से पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 17 हो जाएगा,
तो आप इस तरह से खेलोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना कि किस तरह से आपसे बात की जा रही है। लेकिन खैर अभी हम लोगों ने क्या किया है, हमने इस तरह नहीं किया, हमारा एक्सपीरियंस आ गया, हमने ये लिख दिया। अच्छा उसके बाद फिर आप स्किल्स का एक कॉलम बनाओगे। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये आप सुनो, ये चार पॉइंट ना जहन में बिठा लो अपने, या आई थिंक कुछ भी आएगा आप ये लिख सकते हो, क्योंकि देखो आजकल के दौर में भाई एमएस ऑफिस का आपको आना, लाइक ख़ास तौर पे एमएस वर्ड और एक्सेल वगैरह का आना ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई आपके पास आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है कि आपको इस तरह लिखना पड़ता है, काम करना पड़ता है दोनों के अंदर, सही। और ये देखो ये तीन पॉइंट ऐसे हैं कि आपके किसी भी जॉब पर अप्लाई होंगे, भाई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल हों, बोलने के हों या रिटन फॉर्म में हों, दोनों आपको आते हैं। फिर लिखा हुआ है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है मेरे बहुत एक्सेलेंट हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं। फिर बोल रहे हो कि भाई मैं जो टीम में भी काम कर सकता हूँ और मैं अकेले भी काम कर सकता हूँ, तो ये स्किल्स लिखना सही है। ये अगर आप वर्ड टू वर्ड भी लो तो चलेगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देख रहे हो एक्सपीरियंस और ये एजुकेशन, इनमें एयर्स का लाजमी ध्यान रखना, सही है, ख़ास ख्याल रखना। अच्छा भाई स्किल्स आ गए, और हमने ख़ास तौर पर ये टॉप पर क्यों लिखा है, क्योंकि भाई हमें बाकायदा बोला हुआ था कि कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट चाहिए, तो हमने बोल दिया एमएस ऑफिस आता है हमको, भाई सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा अब ज़रा देखो ये वाला पार्ट ना लिखते हो सही भी है, नहीं भी लिखते तब भी चलेगा, इतना ज़रूरी नहीं है मतलब कि, ठीक है। तो मुझे, मैं जानता हूँ अक्सर बच्चे बोलेंगे चलो भाई ये तो छोड़ दो सर ने बोल दिया, ठीक है, लेकिन अगर लिखते हो तो बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ ये मत लिख देना जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने तो ये देखो मैंने एक पैटर्न बताया हुआ है, क्या आप लिखोगे भाई कि एक्स वाई जेड सर्टिफिकेट, और फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे भाई कि इस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे मिला और फलां डेट को मिला था, ठीक, आप ये लिख सकते हो, नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन इस तरह मत लिख देना, ये तो पैटर्न है। और बेटा फिर आखिर में आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे रेफरेंस का डालोगे, रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, के भाई रेफरेंस अगर आप देना चाह रहे हो रिक्वेस्ट अगर आप करोगे तो अवेलेबल है। आई थिंक अगर आप बोर्ड की कॉपी में करोगे ना, तो मेरे ख्याल से आपके दो पेज लगेंगे, मतलब दो पेज, मतलब पेज वन पेज टू जिस तरह नहीं होता उस तरह लगेगा आपका। अब ये करने के बाद बेटा अब आपने क्या करना है, अगर आपका उस पेज पर जगह बची हुई भी है ना, तब भी आपने उस पेज को छोड़ देना है, और आपने कोशिश करनी है भाई कि अब आपने आना है किस पे, कवरिंग लेटर पे आपने आना है। बेटा कवरिंग लेटर की आपने हेडिंग डाली अपने पास, सही है, और फिर आप इसको अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। अब ज़रा ये देखो कवरिंग लेटर आपने हेडिंग डाली, अब ज़रा देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, मिस्टर एबीसी, कोई भी हायरिंग मैनेजर जो आपको हायर कर रहा है उसको आप बोलोगे, ठीक। और फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन एबीसी ऑर्गेनाइज, क्योंकि हमको बताया नहीं किया भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक, क्योंकि हमको बताया भी नहीं, हमने लिखा नहीं, हमने लिखा एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने क्या लिखा, बॉक्स नंबर 7866। अब देखो 7866 से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सवाल अगर मैं टॉप पर जाऊँ, सवाल में लिखा हुआ है बॉक्स नंबर ये रहा, तो आप ज़रा एड्रेस देख लेना हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया ना भाई, तो फिर उसको उस तरह से मेंशन भी करना, ध्यान रखना इन तमाम चीज़ों का, ठीक है। एबीसी ऑर्गेनाइजेशन वही कराची, इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे क्या, रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कवरिंग लेटर का मकसद क्या होता है भाई, आप अप्लाई कर रहे हो, सामने वाले को पहले से पता है क्या अप्लाई कर रहे हो। अब ज़रा ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ज़रा ये देखो, ये देख रहे हो मैंने आपके सामने लिखा हुआ, इस तरह से आपने लाइन छोड़ी कराची के बाद आपने रिस्पेक्ट। अब ज़रा देखो ये बेटा मैंने एक ऐसा आपके लिए डिज़ाइन किया है कि कुछ भी आ जाए आप ये लिख कर ना आराम से लिख कर आ सकते हो, किसी भी मतलब के उसके लिए अगर आपकी जॉब आती है, क्योंकि आपने बेसिकली मैंने क्या कहा, क्या बताना है आपने, आपने ये बताना है कि भाई यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, ठीक। अब ज़रा देखो यहाँ, हाँ क्या बता, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाए आपको, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ सकता है, वरना ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको ज़्यादातर। पहले हम इसकी बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड सर कॉमा, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ, देखो भाई पोजिशन ऑफ क्या, अब देखो यहाँ लिखा है जॉब टाइटल, तो आप, हम जानते हैं कि अभी जो हमारे पास सवाल आया था वो मैनेजर का आया था, तो आप यहाँ का, ये तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वरना आप क्या लिखते, आप यहाँ पर लिखते मैनेजर, आप ये सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, आप लिखते मैनेजर, ठीक, वरना आपको ये लिखने की, इस तरह लिखोगे आप, मैंने आपको बता दिया यू लिखना है आपने, एट योर ऑर्गन, भाई मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहा हूँ, एज एन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड। अब देखो आप बताओगे कि भाई मैं एक एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड क्या हूँ, मैं ये बंदा हूँ। अब आपने कहा भाई आपका जो प्रोफेशन है आपने बता दिया भाई कि मैं, ये मेरा ये प्रोफेशन है, ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये ना मसला होगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप बेशक इस लाइन को हटा दो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। अब आप बोलोगे आई बिलीव दैट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अलाइन परफेक्टली विद द जॉब रिक्वायरमेंट, इतना भी चलेगा अगर आप वाली लाइन हटाते हो। तो भाई आपने लिख दिया कि भाई मैं, मुझे मुझे यकीन है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो है ना मेरी जो जो कुछ भी है वो अलाइन करती है, मतलब कि वो परफेक्टली बैठती है इस बात पर कि जो कुछ आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। फिर आप कहोगे
आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर हैव इक्विप्ड मी विद द नेसेसरी स्किल्स टू थ्राइव इन दिस रोल. कि भाई मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो मुझे सालों का एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मैं मतलब कि ये काम पक्का कर सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस रोल को पूरा कर सकता हूँ. इन माई प्रीवियस पोजिशंस आई हैव होन्ड माई स्किल्स एंड कॉन्सिस्टेंटली अचीव माई टारगेट्स. इट हैज़ ऑल्सो इनेबल मी टू इफेक्टिवली कोलाबरेट विद द टीम मेम्बर्स एंड क्लाइंट. अब देखो बात ये आती है कि अगर सवाल में आ गया कि भाई फ्रेश चाहिए हमको बंदा ग्रेजुएट, तो फिर तो आपको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे आप क्या बोलोगे, आप ना ये हटा दोगे. मिसाल के तौर पे माय अब ईयर्स ऑफ नहीं होगे, आप लोगों आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर. अब आप ये करोगे, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, कि बताओ आप चाहो तो आप ये हटा सकते हो. ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर हैव इक्विप्ड मी विद द नेसेसरी स्किल्स टू थ्राइव इन दिस रोल. अब ये वाली अगर बात करें तो वही वाली बात बेटा कि आप क्या बोल सकते हो कि मिसाल के तौर पे अब अगर फ्रेश वाला बंदा आता है, बोले फ्रेश हमको बंदा चाहिए, तो फिर आप ये नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि भाई आप क्या बोलोगे, आप प्रीवियस पोजीशन होगी तो लिखोगे ना फ्रेश बंदा बोला गया है तो आप. लेकिन ये लिख सकते हो भाई कि आई हैव होन्ड माई स्किल्स एंड कंसिस्टेंटली अचीव माई टारगेट. इट हैज़ ऑल्सो इनेबल मी टू इफेक्टिवली कोलैबोरेट विद टीम मेंबर्स एंड क्लाइंट्स. मैंने ये काम भी किया है, मुझे थोड़ा बहुत टारगेट इसका है. अब फिर आप क्या बोल रहे हो, देखो कि आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क. मैं भाई बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. फिर लिखा कि मैंने अपना रेज्यूमे और आपको मतलब कि अटैच कर दिया है और मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप मुझे फर्दर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दे सके और मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँगा क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे. और वाली बात कि थैंक यू फॉर योर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून. कि मैं मतलब कि मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करने का शुक्रिया, मैं आप लोगों से बहुत जल्द उम्मीद रखता हूँ कि आप जो भी रिप्लाई करेंगे. और बेटा फिर क्या, सिंसियरली एक्स फादर सिंपल. भाई इतना सा काम है, देखो ये है लेंदी, आसान है लेकिन. लिहाजा देखो कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पे आएगा. खुदारा बेटा अपने आप पर रहम करना, इतना टाइम ज़ाया मत कर देना कि पता चले बाद में करना पाओ कोई काम. लिहाजा आप इसको करोगे, लाजमी करोगे, बट विद इन 15 मिनट्स लाजमी करना है, वरना बाकी पेपर का बेड़ा गर्क कर दोगे. पहले बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इसको, इस तरह अटैम्प्ट करना है अपने. बेटा मैंने आपको प्रॉपरली थॉरली समझा दिया किस तरह करना है. खैर मैं ये ज़रा दोबारा से मैं हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ किस तरह करना था आपने. आई डू होप बेटा कि आप लोगों को ये लेक्चर प्रॉपर्ली समझ में आ चुका होगा जो मैं आपको लेटर के बारे में बताना चाह रहा था. ठीक है, तो बेटा बस आज के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़.